नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन बन ग्रो पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोया पुलाव। इससे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुँचे। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। चावल लिया है, चावल को अच्छे से धुलकर 15 मिनट पहले सोख करके रखा हुआ है। सोया बड़ी ली है, इन्हें भी हमने अच्छे से धुल कर रख लिया है। हरी मिर्च ली है, प्याज ली है, नमक, दालचीनी, अदरक लहसुन को हमने कूट के लिया है, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, जीरा, गरम मसाला। तेल गरम हो गया है, लौंग लेंगे, काली मिर्च, जीरा, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता लेंगे, सभी मसालों को चला लेंगे। मसालों को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। प्याज लेंगे, चला लेंगे प्याज को 2 से 3 मिनट। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, सभी को पका लेंगे। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे चलाते हुए। प्याज को हमने 10 मिनट भून लिया है, प्याज हमारी भून गई है। धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून, सभी को मिक्स कर लेंगे। मसाले भी हमारे भुन गए हैं अच्छे से। सोया बड़ी लेंगे, मिक्स करते हुए हमें इसे भी 10 मिनट भूनना है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया बड़ी को हमने 10 मिनट भून लिया है। पानी लेंगे, 1 कप हमारे चावल हैं, हम 2 कप पानी लेंगे। पानी में उबाल आने देंगे। कसूरी मेथी लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है।
पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, सोया बड़ी भी हमारी पक गई है। हल्की हल्की चावल लेंगे, मिक्स कर देंगे चावल को। अब ढककर इसे 10 मिनट पका लेंगे। दस मिनट हो गया है, चावल चेक करेंगे। चावल पक गए हैं, गैस बंद कर देंगे, इन्हें सर्व करेंगे। सोया पुलाव बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।